मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं कह रहा, पर अब तुम्हारा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। पापा, पर वो राघव सच में। बस करो प्रिया, ये सब तुम्हारे दिमाग पर असर कर गया है, उस बारे में ज्यादा मत सोचो और भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। बहुत इज्जत है हमारी सोसाइटी में, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पागलपन की वजह से सब राख हो जाए। माँ, वर्तमान मेंटल अस्पताल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रिया का भ्रम कैसे हो सकता है, वो साया तो मुझे भी दिखता है, और अगर मैं देख सकता हूँ तो बाकी सबको क्यों नहीं दिखता। हाँ माँ, समीर बेटा क्या हुआ, कैसी आवाज है ये? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। हर एक हादसे को तुमसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। 3 दिन है ना हमारे पास, काफी है मेरे लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले प्रिया की मम्मी से बात करता हूँ, फिर गुरुजी के पास जाता हूँ। प्रिया के घर में, आंटी मुझे प्रिया ने सब कुछ बता दिया है, मैं उसकी और आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। क्या पता है समीर तुम्हें, तुम जानते हो तुम मौत से खेल रहे हो, प्रिया तो खुद सब कुछ नहीं जानती। मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम आग से खेल रहे हो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और प्रिया से दूर रहो। आप मुझे गलत समझ रहे हो समीर, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या हुआ? मुझे लगा कोई हमारी बात सुन रहा है, वहाँ कोई है? नहीं, यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, देखते हैं किसकी जीत होती है, अंधकार की या मेरे सच्चे प्यार की। तुम गलती कर रहे हो समीर, अब जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद, जय माता दी। पंडित जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। समीर, तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, और जो तुम समझ रहे हो वो हकीकत भी नहीं है। पंडित जी, फिर आप बताइए क्या सच है और क्या झूठ। बेटा समीर, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए यह एक सलाह दूंगा कि इन सब से दूर रहो। फिर भी तुम जिद करते हो तो मैं बस इतना बताता हूँ कि प्रिया मोहनपुर से यहाँ आई है और यह समस्या का समाधान तुम्हें वहीं से मिलेगा। मोहनपुर? हाँ, वहीं काली मंदिर में पंडित जी है, तुम उनसे जाकर मिल लो, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें वहां मिल जाए। जल्द ही समीर मोहनपुर जाने वाली बस पर सवार हो चुका था। ये कहानी तो बहुत उलझी सी लग रही है, कोई भी बात करने के लिए राजी ही नहीं है, मेरे पास समय भी कम है, बस मोहनपुर के पंडित जी मेरी मदद के लिए तैयार हो जाए। लगभग 1.5 घंटे बाद समीर मोहनपुर में था, वो बस से उतरकर थोड़ा ही आगे बढ़ा था,
तभी मौत उस कार के रूप में उसकी तरफ लपकी। समीर का सारा ध्यान अपने फोन की तरफ था, और जब तक उसका ध्यान अपनी तरफ बढ़ती मौत की तरफ जाता। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।